तो दोस्तों फाइनल हमारा फैन बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ कितना तेज गई ये हवा दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये बटन लगा हुआ है सिंपल, इसको हम जब दबाएंगे तो ये वाला फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर वैसे गाइस अभी चार्जिंग नहीं है, सिर्फ 50% चार्जिंग है, तो इस तरह से ये बहुत तेज तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी गाइस काफी तेज हवा देने वाला है। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये काफी तेज हवा दे रहा है और यहाँ तक इसका कागज से जो टुकड़े हैं ये उड़ रहे हैं, और जब मैं बंद कर देता हूँ तो बिल्कुल से नॉर्मल हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर दबाते हैं तो फिर से ये उड़ने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये काफी तेज हवा दे रहा है अभी के टाइम में, लेकिन जब चार्जिंग फुल हो जाएगा तो काफी तेज हवा देने वाला है। और अब मैं आपको इसका जो है लाइट जो लगा हुआ है इमरजेंसी लाइट, इसको जलाकर दिखाता हूँ कि आप लोग इसके इमरजेंसी लाइट के रूप में ही चला सकते हो। तो इसके अंदर चार्जिंग नहीं, इसलिए सिर्फ दो LED जल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तीन LED। तो आप लोगों को लगता होगा शायद ये LED बल्ब खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका जो बल्ब है ये ठीक है, बस इसका बैटरी चार्ज नहीं है। तो अब मैं इसको चार्जिंग को लगाता हूँ और फिर देखना ये चार्जिंग होने लगेगा। तब यहाँ पर इसको चार्जिंग को लगा देता हूँ, ये है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो सिंपली यहाँ पर दिया और इसका लाइट जो है ये जलना स्टार्ट हो गया काफी तेज, आप देखते हैं ये जल रहा है। तो अब दोस्तों मैं आपको इसका फैन फिर से चलाकर दिखाता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप देख रहे हैं अब ये काफी तेज चलने लगा है और काफी तेज आवाज देता है, यहाँ तक गाइस ये इसकी आवाज भी काफी तेज है, आप लोग सुन सकते हो इसकी आवाज को। काफी तेज दोस्तों इसकी आवाज है और काफी तेज हवा दे रहा है। तो गाइस आप लोग भी इसको बना सकते हो या फिर खरीद सकते हो, और इसका लाइट मैं दिखाता हूँ रात के समय जलाने के लिए। तो अब देखते हैं ये लाइट गाइस जो आपको शायद लग रहा होगा कि खराब था, लेकिन अब ये खराब नहीं है बल्कि ये जल रहा है, काफी तेज इसकी रोशनी है 12 वोल्ट पे। तो एक बार इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी तो काफी लंबे समय तक आप लोग इसको लाइट भी चला सकते हो और पंखा दोनों भी चला सकते हो। इस तरह से सिंपली ये काम करता है और चार्जिंग भी हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है यहाँ पर रिचार्ज बल्ब फैन, आप देख सकते हैं दोस्तों ये रिचार्ज बल्ब फैन बहुत ही गाइस पावरफुल है। आप एक बार इसको चार्जिंग करने के बाद 2-3 घंटे आसानी से इसका फैन चला सकते हो और इस तरह से गर्मी से बच सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, जिससे दोस्तों हर कोई परेशान है और लाइट का कोई खास भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से लाइट कब आता है कब जाता है कोई पता नहीं चलता है। तो इस तरह से गर्मी से बचने के लिए आप लोग इसका फैन यूज़ कर सकते हो, ये रिचार्जबल फैन, ये बहुत ही गाइस पावरफुल है। इसके अंदर खास बात यह है कि दोस्तों इसके अंदर आप इमरजेंसी लाइट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर लगा हुआ है इमरजेंसी लाइट, आप देखते हैं। तो रात के समय अगर अचानक से लाइट चली गई और आपको पंखा भी चलाना है और लाइट भी जलाना है तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर 12 वोल्ट की जो बैटरी लगी है दोस्तों वो ख़राब हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में यार हम उसी चीज़ को लगाने वाले हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरह से लगाया गया है, तो आप लोग भी इसको लगा सकते हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया गया वीडियो को, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हुए। सो लेट्स बिगिन ऑन दिस वीडियो। तो ये है वो रिचार्जर फैन जिसको हमें ठीक करना है। तो दोस्तों आप देखते हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसका लुक लग रहा है और बिल्कुल गाइस वे नवा है, बस इसका बैटरी जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इसका बैटरी हमें सिर्फ चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर बस। तो इसको हमें खोल लेना है सबसे पहले, यहाँ पर मैं इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेता हूँ। कुछ इस तरह से इसको हमें खोल लेना था, इसके अंदर एक ही स्क्रू लगा हुआ, बाकी सारा स्क्रू इसके गायब हो चुके हैं पहले से ही। तो इसको हमें खोल लेना है इसके स्क्रू को। तो दोस्तों इस तरह से हमने फाइनली इसको खोल लिया है, आप देखते हैं यहाँ पर ये खुल चुका है। तो इसको हमें खोल लेना है और इस तरह से इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, तो इसको हमें खोल लेना है, इसके पावर को टेप को निकाल लेना है इसके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका वायर है और कनेक्शन इसका किया गया है, तो इस तरह से आप देखते हैं इसका वायर जो है यहाँ से सारा सिस्टम है। इसके अंदर लगा हुआ दोस्तों एक चार्जिंग चार्जिंग जग लगा हुआ है और एक इसके अंदर बटन लगा हुआ है, इस साइड में एक बटन इस साइड में। तो एक लाइट गाइस जो बटन है वो इस लाइट के लिए है जो यहाँ पर स्ट्रिप लाइट लगा हुआ है इस वाली लाइट के लिए, और दूसरा बटन गाइस इसके फैन के लिए है। तो यही सिंपली इसके अंदर कनेक्शन किया गया और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब हमें इसके बैटरी पर जोड़ लेना है, इस तरह से वायर को इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और इसको छील लेना है। तो अब मैं इसके दोनों वायर है इसको सिंपली ब्लैक वाले इसको दोनों को हमें आपस में इस तरह से जोड़ लेना है, और इसका जो मोटर का एक वायर है इसको भी इस तरह से जोड़ लेना है इसमें सिंपली। इस तरह से वायर को जोड़ लिया दोस्तों।
तो दोस्तों इस वाले बैटरी के अंदर हमें सोल्डर कर लेना है। तो सोल्डर करने के लिए दोस्तों मैं सिंपल यहाँ पर ये वाला जो इसका प्लस वाला पॉइंट है, सिंपल यहाँ पर इसके प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ लेना है। इस तरह से इसका प्लस वाला पॉइंट है, तो इस पर हमें सोल्डर कर लेना है काफ़ी आसानी से। इसके अंदर वायर को डाल देना है और सिंपली सोल्डर कर लेना है, काफ़ी ईजी है, कोई भी कर सकता है एक बार देखने के बाद। तो इस तरह से हमें सोल्डर कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों एक वाले प्लस वाले पॉइंट पे सोल्डर हो गया है, माइनस वाले पे भी इसी तरह से कर लेना है सेम सोल्डर इस तरह से। अब दोस्तों इस पे सोल्डर हो जाएगा आसानी से। तो इस तरह से दोस्तों हमने फाइनली इस पर सोल्डर कर दिया है। तो अब हमें इसको पैक कर देना है दोबारा जिस तरह से था पहले, जैसे वैसे ही इसको हमें बंद कर देना है। तो यह है इसका कवर, बैक कवर, यानी कि इस पर हमें रख के इसको बंद कर देना है इस तरह से, यहाँ पर रख देना है, इस पर फिक्स हो जाएगा। ये बैटरी सेम इसी का है, बस इसका जो गाइस बैटरी था पहले वाला वो खराब हो चुका था, तो इसलिए हमें इसके अंदर ये दूसरा बैटरी लगा रहे हैं। बल्कि इसका मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो में। तो अब हमें इसको बंद कर देना है सिंपली इसी तरह से। इस तरह से बंद करने के बाद दोस्तों इसका स्क्रू भी लगा लेना जिस तरह से पहले था इसके स्क्रू को। तो इस वाले स्क्रू को भी लगा कस लेना दोस्तों अच्छे तरीके से। तो दोस्तों फाइनल हमारा ये फैन जो है ये रिपेयर हो चुका है, इतना गाइस इसके अंदर काम करना था। उसके बाद दोस्तों ये बन चुका है, अब आप लोग इसको चला सकते हो, यहाँ पे इसको चार्जिंग कर सकते हो और सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। तो अब मैं इसका लाइट आपको जला कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं इसका लाइट काफ़ी तेज़ जल रहा है, यहाँ पर आप रात के समय इसका इस्तेमाल कर सकते हो लाइट जलाने में इस तरह से। इसका फैन भी काफ़ी तेज़ चलता है दोस्तों, काफ़ी तेज़ हवा लगता है एक बार चलना चला दोगे तो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका फैन जो है यहाँ पर बटन लगा हुआ है, इसको दबाने के बाद चलने लगता है और काफ़ी तेज चलता है दोस्तों। इस तरह से आप लोग भी इसको चला सकते हो। तो दोस्तों ये है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, आप इसको 12 वोल्ट की चार्जर से ही चार्ज करना, तभी ये चार्ज होगा, वरना ये चार्ज नहीं हो पाएगा। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ सिंपली इस तरह से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये लाल बत्ती चलना स्टार्ट हो गया है और ये चार्ज हो रहा है हमारा फाइनल, ये वाला रिचार्जेबल फैन कह सकते हो आप इसको। और डायरेक्टली भी आप इसको चला सकते हैं, इस तरह से जला सकते हैं डायरेक्टली, और इसको भी जला सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी इसको खरीद सकते हो या फिर बना सकते हो, अगर बनाना है तो गाइस आप लोग कमेंट करो, मैं आपको इसको बनाकर भी दिखा सकता हूँ। कोई खास चीज़ इसके अंदर नहीं लगा हुआ, बस इसके अंदर 1775 DC मोटर लगा हुआ है इस तरह से, और एक फैन लगा हुआ है जो कि 20-30 रुपये का मिलता है इजिली। और इसका जो सबसे महंगा चीज़ है जो इसका बैटरी है, सिर्फ बैटरी ही इसके अंदर जो है वो महंगा है, वरना गाइस इसके अंदर कुछ भी महंगा नहीं है। तो आप लोग इसको ले सकते हो गाइस, इसका प्राइस जो है वो 1500 रुपये है। तो आप लोग इसको खरीद सकते हो, ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर दुकान से भी खरीद सकते हो इस गर्मी से बचने के लिए, तो इसको चला सकते हो लेकर।